ऑनलाइन शॉपिंग का बढ़ता क्रेज किसी से छिपा नहीं है। जितनी तेजी से ऑनलाइन शॉपिंग का कारोबार बढ़ा है, उतने ही धोखाधड़ी के कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें ऑर्डर की गई चीज़ों में गड़बड़ी होने के बावजूद उन्हें बदला नहीं जा रहा है। इसके अलावा ऑर्डर के अनुसार चीज़ें नहीं भेजने की शिकायतें भी लगातार बढ़ी हैं। कई कंपनियां आकर्षक प्रोडक्ट और सस्ते दाम की बदौलत ग्राहक से ऑनलाइन पैसा तो लेती हैं, लेकिन उन्हें जैसा सामान दिखाया जाता है वह नहीं मिलता। कई बार ग्राहक के सामान में हेर फेर की शिकायत भी सामने आती है। ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के साथ साथ पैसों का पहले भुगतान करने के बाद भी सामान की क्वालिटी कीमत के हिसाब से घटिया मिलती है। कुछ ग्राहकों की यह भी शिकायत है कि ऑफर के तहत कुछ गिफ्ट वाउचर देने की बात भी कहते हैं, लेकिन वह भी नहीं भेजे जाते। ऐसे में साफ है कि कई फर्जी कंपनियां गिफ्ट वाउचर और आकर्षक उपहार के नाम पर ग्राहकों के साथ ठगी कर रही है। पता क्या, ऑनलाइन सिस्टम लोग कर तो रहे हैं, वे एक ठगी का जाल है। अब जैसे कोई भी है कस्टमर, कोई भी ऑनलाइन से पैंट मंगवाता है, उसको उसका स्टफ नहीं पता क्या है क्या नहीं है। अब जैसे मेरे पास एक पैंट है, इसका ये रेट 500 रुपये है। अब कस्टमर कहता भी यही ऑनलाइन से 200 रुपये की मिलती है। अब कस्टमर को तो नहीं पता इसका क्या स्टफ है क्या नहीं है क्या है। अब ये पैंट मेरे पास 500 रुपये की है। अब कस्टमर मंगवाता है, कस्टमर को इसका स्टफ नहीं पता। अब वो जब वहाँ उनके घर आती है तो उसको पता चलता है ये क्या स्टफ है। और जैसे हम इसकी हर तरह से गारंटी देते हैं, ऑनलाइन से इसकी गारंटी नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस हर बार अच्छा ही रहा है, थोड़ा सर्च करना पड़ता है, पर प्रोडक्ट्स अच्छे मिल जाते हैं। जैसे छोटे शहरों में जनरली अच्छे ब्रांड्स नहीं होते हैं, तो ऑनलाइन काफ़ी ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं और सारी वेराइटी डिस्प्लेड होती है, तो बहुत ईजीली देख पाते हैं। अपने घर पर बैठ के कहीं जाना नहीं होता है और रिटर्न्स भी आजकल बहुत ईजी हैं, पॉलिसीज उनकी बहुत अच्छी हैं, पैसे भी बहुत ईजीली वापस मिल जाते हैं। अगर नहीं होता तो कस्टमर केयर पर भी वो कॉल्स बहुत अच्छे से अटेंड करते हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा ही रहा है। ये बच्चों ने टीवी में देखा और मोबाइल में देखा कि ये सूट 2500 के जो हैं ये 1500 में मिलने लग रहे हैं, तो मैंने तो मना करा भी नहीं, हमने नहीं लेने, पर बच्चों ने जिद करके ये सूट मंगा लिए। तो ये सूट जो हैं ये 1000 रुपये के तो बाज़ार में भी मिल जाएंगे, 200-250 रुपये का सूट है, ना कपड़े की कोई क्वालिटी है, ना कोई सवाने वाले तो घर में करने वाले पहनने वाले तो है ही नहीं ये सूट। और आने जाने में भी देने में भी ये दिक्कत आती है कि आने जाने में किसी को देने लेने में भी कोई अच्छा ही हो तो ही दिया जाता है। तो ये कपड़ा बिल्कुल बेकार है, हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो आगे वास्ते फिर ऐसा है कि ये तो धोखाधड़ी है साक्षात, तो आगे के लिए फिर हम क्या आगे से नहीं मंगवाएंगे ये ऐसे सूट। देखिए, ऐसा है कि पुरानी कहावत है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। उसी तरह से जो क्या नाम है टीवीस पे या इंटरनेट के माध्यम से जितने भी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स बेचे जा रहे हैं, जो भी सामान बेचा जा रहा है, उसके बारे में बड़े ही वो लोभ लुहानी बातें करके अपने जो कस्टमर्स होते हैं उनको, जो अपने फॉलोअर्स होते हैं उनको जो है ना वो लुभाते हैं और उसकी आड़ में ठगी का जाल भी फैलाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, जो आपके आसपास जो बिक रही है, वो ज़्यादा बढ़िया होती है, क्योंकि वो सस्ते का लालच देते हैं। और सस्ते का लालच कई बार आती है हमारे पास, जैसे कि कोई 2000 की चीज़ है तो कहते हैं कि जी मेरे साथ तो ठगी हो गई, मेरा तो क्या नाम है साबुन की टिक्की आ गई, पत्थर आ गया, रोड आ गया, या ईंट आ गई उसके अंदर। तो उसमें हमारे लिए बड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वो सामान डिलीवर होता है यहाँ से कम 5000 किलोमीटर से, 7000 किलोमीटर से, 3000 किलोमीटर से, 2000 किलोमीटर से, तो हमें बड़ी दिक्कत आती है इसमें।